मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में दिल्ली से वर्चुअली भाग लिया। शुक्रवार को देहरादून में उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए सीधी भर्ती से चयनित 1094 अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के तहत दंगाइयों द्वारा सरकारी और निजी संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि देवभूमि उत्तराखंड में किसी को भी कानून व्यवस्था या प्राकृतिक पर्यावरण को बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राज्य में इस कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अभियंताओं को बधाई दी और कुछ अभियंताओं से उनकी पढ़ाई के बारे में भी बात की। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। तो मैं उनका निश्चित रूप से इस अवसर पर मैं उनका स्मरण करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं, आपके शिक्षक गणों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने अपने अच्छे प्रशिक्षण से आप सबको इस काबिल बनाया कि जैसा हमारे मंत्री जी प्रेमचंद अग्रवाल जी उस समय कह रहे थे कि सच में आज जो 1000 से ज़्यादा 1094 लोग जो आज नियुक्त हो रहे हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। और सच बताऊं तो ये कार्यक्रम मेरे लिए बहुत बहुप्रतीक्षित था। काफ़ी दिनों से मैं स्वयं इसका इंतज़ार कर रहा था कि मैं आप सबके बीच में होता, लेकिन पहले से निर्धारित कार्यक्रम होने के कारण से और इन्हीं सब व्यस्तताओं के कारण व्यक्तिगत रूप से मैं आप सबके बीच में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। इसलिए मैं आज यहाँ से आप सब से जुड़कर आप सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ और बहुत खुशी है आज के दिन कि आज हम विभिन्न विभागों में 1094 नवनियुक्त अभियंताओं को आज नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं और आपके जीवन का भी एक नया दिन, एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है। हाँ, मैं एक जरूर कहना चाहूँगा कि आपने अपना डिप्लोमा भी कर लिया, आपने किसी ने डिग्री भी करी होगी और आज नियुक्ति पत्र भी मिल गया है, तो अब ये इतिश्री नहीं होनी यहीं पर। ये आपका काम अभी अब ये पूरा नहीं हो गया। कई बार आप लोगों के किसी के मन में अगर ये आ रहा हो तो इसको निकाल दीजिए कि आज से काम आपका शुरू हो रहा है।